लड़कियों को मारकर कुत्तों को खिलाता है तालिबान। जिंदा बची महिला ने सुनाई दास्तान। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने हाल ही में कहा है कि उसने महिलाओं के अधिकारों पर अपने रूह में ढील दी है, लेकिन तालिबानी हमले में जान बचाने वाली एक महिला ने बर्बरता की जो दास्तान सुनाई, उससे तालिबान के बयानों के उलट ही कहानी बयां की। उसने दावा किया कि तालिबानी सजा में महिलाओं को कुत्तों को खिलाया जाता है। एक टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में पिछले साल तालिबान लड़ाकों द्वारा 33 वर्षीय खचरा को गोली मार दी गई थी। इस हमले में किसी तरह वो जिंदा बच गई। खचरा ने बताया कि तालिबान की नज़र में महिलाएं केवल मांस का पुतला है, जिनमें जान नहीं है, उन्हें बस मारा पीटा जाना है। पीड़िता ने बताया कि हमले के बाद उसकी आंखें निकल ली गई। वह नवंबर 2020 से दिल्ली में अपने इलाज के लिए अपने पति और बच्चे के साथ रह रही है। महिला ने बताया कि उसके पिता तालिबान के एक पूर्व लड़ाके थे, जिन्होंने उस पर हमले की साजिश रची थी। खतरा अफगानिस्तान की पुलिस में नौकरी करती थी। उसे तालिबान ने पिछले साल अक्टूबर में उस समय बुरी तरह से पीटा था जब वे 2 महीने की गर्भवती थी। नौकरी से घर वापस जाते समय उसे 3 तालिबान लड़ाकों ने रोक लिया। उन्होंने पहले उसकी आईडी की जांच की, फिर उसे कई गोली मारी। उसे शरीर के ऊपरी हिस्से में 8 गोलियां लगी और चारों तरफ चाकू से वार किया गया। जब वे बेहोश हो गई, तब तालिबान ने उसकी आंखों में चाकुओं से वार किया और उसे मारने के लिए छोड़ दिया। पीड़िता खतरा कहती है, तालिबान पहले महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं और फिर सजा के नमूने के रूप में दिखाने के लिए हमारे शरीर के साथ बर्बरता करते हैं। कभी कभी हमारे शरीर को कुत्तों को खिलाया जाता है। मैं भाग्यशाली थी कि मैं इससे बच गई। अफगानिस्तान में तालिबान के अधीन रहना पड़ता है। कल्पना करना मुश्किल है कि वहाँ महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों पर क्या क्या अत्याचार हुए हैं। दिल दहला देने वाली घटना को याद करते हुए खचरा ने कहा कि उनके इलाज के लिए काबुल और फिर दिल्ली जाना संभव था, क्योंकि उनके पास इसके लिए पैसे थे, लेकिन सबके पास ये मौका नहीं है। वहाँ महिलाएं और जो कोई भी तालिबान की बात नहीं मानता है, वे सड़कों पर मारा जाता है। गौरतलब है कि बीते दिन तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्लामी कानून के तहत महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने का वादा किया और अपने विरोध करने वालों को माफी देने तथा सुरक्षित अफगानिस्तान सुनिश्चित करने की घोषणा की थी। 2001 से पहले जब अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था, उस समय महिलाओं के लिए कानून काफी दमनकारी थे। महिलाओं की न पढ़ने की इजाजत थी, न बाहर काम करने की। घर से बाहर निकलने के लिए भी महिलाओं को किसी एक पुरुष रिश्तेदार को साथ लेकर जाना जरूरी था। एक अफगान महिला याद करते हुए बताती है, हम सभी बड़ी उम्र की महिलाएं इस बारे में बात कर रही है कि पुराने दिनों में एक महिला के रूप में सब कितना कठिन था। मैं तब काबुल में रहती थी और मुझे याद है कि कैसे वे उन महिलाओं और लड़कियों को पीटते थे जो बिना बुरके के घर से निकल जाती थी। एक अन्य पत्रकार चरमपंथी समूहों के सत्ता में आने के बाद देश से भागने की कोशिश कर रही थी। वे बताती है, हवाई अड्डे के रास्ते में बंदूक की नोक पर उन्हें लूट लिया गया। उनका पासपोर्ट और दस्तावेज ले लिए गए, लेकिन वे हवाई अड्डे पर पहुंचने में कामयाब हुई। एक अन्य पत्रकार ने ट्वीट किया, तालिबान के आने के डर ने पहले ही महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थान में जहर घोल दिया है। काबुल में मेरी बहनें और दोस्त कहते हैं, जब वे आज घर आ रहे थे, लोग उन पर चिल्लाए, तालिबान आपकी वजह से आ रहे हैं, तालिबान यहाँ आपको अनुशासित करने के लिए है। काबुल की एक अन्य महिला रिपोर्टर जो देश छोड़ने में असमर्थ है, उन्होंने कहा, हमने जीवन भर सहा है और अब आगे भी सहते ही रहेंगे। दिल्ली के भोगल में अफगान मूल के कई लोग रहते हैं, यही अरफा भी रहती है जो अफगानिस्तान के मजर ए शरीफ की रहने वाली है। अरफा कहती है, तालिबान भले ही कह रहा है कि महिलाओं को आजादी होगी, उनके साथ अत्याचार नहीं होगा, लेकिन पहले तालिबान राज में सबने देखा है कि क्या हुआ था। उन्होंने बताया, उस वक्त महिलाओं खास तौर से युवा लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार हुआ। अरफा बताती है, उस समय तालिबान के लड़ाके आते थे, लड़कियों को उठाते थे, जबरन शादी करते थे, गलत काम करते थे और छोड़ देते थे। उसके बाद से किसी भी महिला को इन पर भरोसा नहीं है। अरफा का कहना है कि उनकी परिवार वालों से बात हुई है, वह सभी महिलाएं डरी हुई है, कोई भी घर से नहीं निकल रहा है, सिर्फ बुजुर्ग महिलाएं निकल रही है, वो भी किसी के साथ। अरफा कहती है कि तालिबान राज की दोबारा वापसी महिलाओं के लिए किसी गंदे सपने से कम नहीं है, वो इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराती है। अरफा अकेली नहीं है, जिन्हें अफगानिस्तान में मौजूद अपने परिवार की महिलाओं की चिंता है, उनके जैसे कई और अफगानियों के मन में भी यही डर है। अरफा की तरह ही जवाद वजून को भी यही चिंता सता रही है।
जबत एक स्टूडेंट है और वोगल में रहते हैं। उनका कहना है कि अशरफ गनी ने उनके देश को बेच दिया है। जबत काबुल के रहने वाले हैं। वो बताते हैं कि उन्हें अपने परिवार की खास तौर से महिलाओं की चिंता है, क्योंकि तालिबान के लड़ाके महिलाओं को ठगा कर ले जाते हैं और गलत काम करते हैं। वो बताते हैं कि उनका भाई भारत आ रहा था, लेकिन तालिबानियों ने उनका मोबाइल छीन लिया और काबुल एयरपोर्ट के पास रोक लिया। 12 साल के ऊपर की लड़कियों को घरों से उठाया जा रहा है। द सन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान के लोग घर घर जाकर लड़कियों को जबरदस्ती उठा रहा है, ताकि उन्हें अपना लड़ाकों के लिए सेक्स गुलाम बनाया जा सके। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अफगानिस्तान में स्थानीय नेताओं को पिछले महीने 12 साल से 45 साल के बीच लड़कियों और महिलाओं की लिस्ट देने को कहा गया था। उसके बाद तालिबान नेता महिलाओं को किडनैप कर उनसे जबरन शादी कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक यह वाकया शरिया कानून लागू होने के बाद वहाँ पर शुरू हुई खौफनाक स्थिति को बयां कर रहे हैं। महिलाएं बिना पुरुष को साथ लिए अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती है। इसके साथ ही उन्हें अनिवार्य रूप से हिजाब पहनने को कहा गया है। एक तरफ जहां अधिकतर स्कूल और व्यवसायों को तबाह कर दिया गया है, महिलाओं को स्कूल जाने की तभी इजाजत होगी जब वहां पर पढ़ने के लिए महिला टीचर होगी। तालिबान ने धमकी दी है कि अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उनके साथ बेहद खतरनाक तरीके से सलूक किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में डरी हुई महिलाएं वहां से अब भागने की कोशिश कर रही है। वहां पर हालत ये हो चुकी है कि लड़कियों के पिता सहमे हुए हैं कि कहीं उनकी बेटी को तालिबान उठाकर जबरदस्ती सेक्स गुलाम ना बना दे। अफगानी महिला शबनम डरवार ने कहा कि मैं सरकारी समाचार संगठन आरटीएफ पश्तो में काम करती हूँ। तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद मैं अगली सुबह अपने घर जलाई गई, जहां मुझे काम पर नहीं आने के लिए कहा गया। जब मैंने पूछा कि क्या कारण है तो उन्होंने कहा कि नियम अब बदल गए हैं और महिलाओं को अब आरटीए में काम करने की अनुमति नहीं है। जब उन्होंने पहले घोषणा की थी कि महिलाओं को पढ़ने और काम पर जाने की अनुमति दी जाएगी तो मैं उत्साहित हो गई थी, लेकिन फिर मैंने अपने ऑफिस में वास्तविकता का अनुभव किया, जहां मुझे बताया गया कि महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैंने उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे घर जाने के लिए कहा। सभी एंकर्स निकाले गए? नहीं, अभी तक उन्होंने केवल उन महिलाओं को काम पर नहीं आने के लिए कहा है जो सरकारी संगठनों में काम करती है। क्योंकि टोलो न्यूज एक निजी चैनल है, इसीलिए उन्होंने वहाँ की महिलाओं के लिए ऐसा आदेश जारी नहीं किया है। क्या आपको कोई विशेष धमकी मिली है? उन्होंने कहा, तुम लड़की हो, जाओ अपने घर जाओ। मेरे पुरुष सहकर्मी को काम पर जाने दिया गया, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया गया। उन्होंने साफ कहा कि अब महिलाओं को आरटीए में काम नहीं करने दिया जाएगा। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।